अमेठी पुलिस का सराहनीय कार्य। थाना अमेठी पुलिस द्वारा दो जिलावदर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, दोनों को जेल भेज दिया गया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति सुल्तानपुर के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ काला दिवस मनाया गया। जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा गया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। सुल्तानपुर के विकासखंड बल्दीराय अंतर्गत कस्बा माफियात पूरे नजर हुसैन गांव में इरशाद अहमद की प्रधानमंत्री आवास निर्माण हुए मकान की छत पड़ रही थी, अचानक बल्ली टूट जाने के कारण छत धराशाही हो गई। नीचे काम कर रहे श्रमिक किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाते हैं। इस दौरान 40,000 रुपए की सीमेंट गिट्टी मोरंग आदि सामग्री नष्ट हो गई। बल्ली मिस्त्री लगाए थे, बल्ली खड़ी अड़ी, पता नहीं किसी बल्ली टूट गई, गिर गया, लिंटर मशीन लगी थी, लिंटर पूरा गिर गया और मिस्त्री भी गिर गया, लेबर वेबर कुछ छोट चोट आ गई थोड़ी बहुत। अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र दाखिल हुए। दो उम्मीदवारों द्वारा 5 सेट में दाखिल किए गए नामांकन पत्र। 29 जून को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 3 जुलाई को मतदान व मतगणना का कार्य संपन्न होगा। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी द्वारा अमेठी में नियुक्त समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद अमेठी पुलिस को दिए गए N95 मास्क व साबुन पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह द्वारा कैंप कार्यालय में किया गया वितरण, मास्क धारण करने के लिए निर्देशित भी किया गया। सुल्तानपुर के कूड़ेभार थाना क्षेत्र के देवकली सरैया गांव के रहने वाली हरिराम की 17 वर्षीय बेटी खुशबू बीते 25 जून से घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की थी, कूड़ेभार पुलिस को तहरीर भी दी थी। परिजन व पुलिस लापता किशोरी की तलाश में जुटे ही थे कि रविवार की सुबह पड़ोसी गांव बैजू थाना जयसिंहपुर तालाब में एक किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जयसिंहपुर कोतवाल पुलिस दल बल के साथ पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला, जिसकी शिनाख्त लापता किशोरी खुशबू के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सुल्तानपुर में गोमती मित्र मंडल अपनी स्वच्छता संकल्प यात्रा को लगातार जारी रखते हुए किया गया श्रमदान कार्यक्रम। युवा मंडल के सबसे छोटे सदस्य वासु पंडित कहते हैं कि हमारा प्रयास एक दिन माँ गोमती की स्वच्छ लहरों के दर्शन के साथ सफल होगा। सुल्तानपुर में अपराधियों की नकेल कसने के लिए पुलिस महकमा चाहे जितने भी प्रयास क्यों ना करे, लेकिन बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस महकमे से न्याय मिल पाना टेढ़ी खीर के समान हो गया है। कूड़ेभार थाने पर भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों की संख्या में कूड़ेभार थाना घेर लिया और थानाध्यक्ष से क्रमवार समस्याओं को गिनाते हुए निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की। वहीं कूड़ेभार थानाध्यक्ष ने भाजपाई को आश्वस्त करते हुए वास्तविक आरोपियों पर दंडात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर भाजपा नेताओं का आक्रोश शांत हुआ। सिर्फ हम लोग कार्यकर्ताओं के काम के लिए आए थे, कोई ऐसा मामला नहीं था। बस कार्यकर्ता पीड़ित नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि इलेक्शनों में अक्सर ये होता है जो हार जाता है वो बौखलाता है, कहीं ना कहीं इसी कारण इतनी मारपीट और झगड़े होते हैं। सिर्फ इस कारण हम लोग यहाँ आ जाए। हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है, मैं भाजपा का सेक्टर संयोजक हूँ, बूथ अध्यक्ष हूँ और मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँ, SDM साहब रिक्वेस्ट किया, अक्सर मैं लखनऊ में था, SO साहब को मैं बार बार फोन किया, उठाए नहीं, हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही, इसलिए हमारे सारे कार्यकर्ता लोग आए हैं कि इनके साथ अन्याय ना हो। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज